हमारी मासी के घर, रुशांग की मासी के घर, रुशांग जी की मासी के घर जा रहे हैं अब हम। रुशांग जी, हमारी रुशांग की पहली होली हमने मनाई उसकी मासी के घर। तो सबसे पहले मासी के घर पहुंचते ही रुशांग का हुआ बहुत अच्छा सा वेलकम। आप देख सकते हो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं सारे आ गए थे रुशांग का वेलकम करने के लिए, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनकी सारी प्रिपरेशंस, वो सारी खुशियाँ, वो सारी एक्साइटमेंट देख करके। आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड। तो मैं यहाँ बहुत खुश हो रही थी, यू नो माँ हो ना, तो जब आपके बच्चे के लिए कुछ स्पेशल होता है तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ छोटे छोटे बच्चों ने रुशांग के लिए बनाए थे छोटे छोटे से वेलकम हार। तो छोटा हार तो उसे आया नहीं, तो मैंने कहा बड़ा पहना दो, जो उन्होंने मेरे लिए बनाया था। तो यहाँ देख सकते हो रुशांग का वेलकम कितने प्यार से हो रहा है, इन बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। बस यही छोटी छोटी खुशियों के लिए ही तो हम लोग जीते हैं। वो कहते हैं ना कि कल किसने देखा, इसीलिए आज मैं जियो, आज को एंजॉय करो, अपना हर एक मोमेंट स्पेशल बनाओ और दूसरों को स्पेशल फील कराओ और ख़ुद भी स्पेशल फील करो। तो उसके बाद वेलकम हो रहा था मेरी मम्मी का और मेरे पापा का, वो भी मेरी दीदी के घर फर्स्ट टाइम गए रुशांग की तरह। तो दीदी ने सबका वेलकम बहुत अच्छे से किया। एंड गाइज, किड्स आर रियली प्योर सोल्स। यहाँ पे आप देखो कितने एक्साइटेड और कितने मासूमियत होती है ना बच्चों में। ये मेरी दीदी की जो जेठानी है उनकी बेटी थी, और बहुत ज़्यादा क्यूट है ये भी, बिल्कुल रुशांग की तरह। तो हमने इन दोनों की भी दोस्ती कराई। इसका नाम अंकिता था, शी इज सच अ क्यूट गर्ल, मुझे बहुत अच्छी लगी। और फिर यहाँ आप देखो छोटे छोटे बच्चे कैसे काम में लग गए। देन रुशांग ने यहाँ पे एक माइलस्टोन अपना कंप्लीट किया, अपने फूड को अपने मुंह में डाल के। हमारे यहाँ पे एक मान्यता होती है कि जब बच्चा अपना पाँव का अंगूठा अपने मुंह में डालता है ना, तो कुछ शायद कुछ दूध के रिगार्डिंग बोलते हैं कि वो इतना दूध पी लेता है, उसके बाद ऐसे करता है। और साथ में बोलते हैं कि कृष्णा जी जो थे वो अपना पैर का अंगूठा अपने मुंह में डालते थे, तो उसको एक इंडिकेट करते हैं। तो ये पिछले 1 वीक से ट्राई कर रहा था डालने की, बट इससे हो नहीं पा रहा था। तो फाइनली इससे हुआ और हम लोग बहुत खुश हो रहे थे उसको देख देख के। और ये बंदा है, ये सबका मासड़ है, ये सबका मासड़ है, और ये हमारे रुशांग का मासड़ है जो लगे हुए चिकन बनाने के लिए। सो अब हो गई थी दूसरे दिन की सुबह। रात को हम खाना वाना खा के सब बातें बातें करके सो गए थे, और यहाँ पे हम अंकिता और रुशांग की दोस्ती करा रहे हैं। दोनों बच्चे इतने क्यूट लग रहे हैं, और जो अंकिता है ना वो रुशांग से बड़ी है, क्योंकि आप मुझे पूछ सकते हो शायद कि अंकिता बैठी है, रुशांग बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो अंकिता जो है वो रुशांग से आई थिंक 2-3 मंथ्स जो है वो बड़ी है, रुशांग उससे छोटा है। और यहाँ पे ये देखो दोनों की हम दोस्ती करवा रहे हैं। अंकिता बहुत ज़्यादा शरीफ लग रही थी, बट ये शरीफ बोलते हैं नहीं है, काफ़ी नॉटी है, बट वो एक न्यू फेस को देख के थोड़ा सा शांत थी, ऑब्जर्व कर रही थी सब चीज़ों को, रुशांग भी ऑब्जर्व कर रहा था। और यहाँ पे रुशांग को लग गया है होली का रंग जो लगाया उसको उसकी गुंजन दीदी ने, तो रंग जो है वो बिल्कुल सेफ है। डोंट वरी अगर आप कहोगे कि बच्चे को लगा रहे हो इट्स नॉट सेफ, तो ये ऑर्गेनिक कलर था, सेफ था, मैंने खुद से लाया था। तो डोंट वरी गाइस, मेरे जीजू को रंग लगाने की जो कि बाहर लेते हुए हैं,
तो हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन्होंने अपने हाथ में लिया कलर और साथ में लिया बैलून, तो चल पड़े जीजू को कलर लगाने के लिए। जीजू यहाँ बड़े मज़े से लेट रहे थे एंड उनको नहीं पता था मेरे साथ क्या होने वाला है। और यहाँ पे उनके साथ बन गई है होली। उनको लगा बस इतना ही, लेकिन ये लीजिए। यहाँ आप देख सकते हैं, क्योंकि दीदी सुबह से कह रही थी उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, और जीजू उठने का नाम नहीं ले रहे थे। सो वी फाइंड अ वे कि हम उनको उठाएं, और अब इसके बाद वो लेटे नहीं, फिर उठे रहे। उसके बाद जी नंबर लगा मेरी प्यारी बहना का। तो मैंने सोचा किचन ख़राब नहीं करती, बाहर लेके आती हूँ इनको। और बाहर लेके आके कलर तो नहीं लगाना था, बट एक बैलून फोड़ना था। सच ए स्वीट मोमेंट्स, ये छोटे छोटे मोमेंट्स जो होते हैं ना, वो हमें हमेशा याद रहते हैं, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। तो दीदी को भी मैंने रंग लगा दिया। उसके बाद थी मेरी भारी गाइस। अभी आप मुझे रंग लगते हुए देखिएगा कि मुझे कैसे रंग लगाया गया है। और भाई यहाँ लगा अब मेरा नंबर। तो यहाँ बच्चों ने मुझे इस तरह से घेर लिया हुआ है कि मैं ना भागने के लायक रही ना खड़े होने के लायक। खैर होली तो खेलनी ही थी मुझे, बट यहाँ पे देखो ये सब आ गए मुझे रंग लगाने के लिए, और मुझे बहुत मज़ा आया वैसे सच बताऊँ तो। अभी आप देखिएगा कि कैसे मैं थोड़ा सा भागने की कोशिश करूँगी यहाँ से, लेकिन मुझे भागने नहीं दिया जाएगा और मुझे यहाँ पे ठीक ठाक रंग लगाया जाएगा बच्चों के द्वारा। ये देखो ये देखो आप, बहुत मज़ेदार होली थी ये, बहुत मज़ा आया हमें। फिर नंबर आया जी मास्टर जी का। तो बच्चे लगाने वाले थे इनको कलर, तो इन्होंने ज़्यादा भाग भाग तो नहीं की, आराम से रंग लगा लिया। उससे पहले इन्होंने पापा के साथ हैप्पी होली मनाई, पापा को थोड़ा सा कलर लगाया, और उसके बाद बच्चों ने इनको कलर लगाया। इन्होंने बड़ी शराफत से कलर लगवाया, बट चलो इतनी शराफत से ये क्या हुआ, मेरे को इतना भरा आप लोगों ने, कोई भरो कोई कपड़े, कपड़े भरो कोई। ओ कलर गोली गोली डोल दे मम्मा भी तो लगाएगी आपको कलर, थोड़ी सी मम्मा भी लगाएगी। हैप्पी होली हैप्पी होली। ओए 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 क्या हुआ, जी फिर मनाई हम दोनों पति पत्नी ने होली बड़े प्यार से। तो अगर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है, यू बोथ लव ईच अदर, तो हर दिन जो रहता है ना वो एक फेस्टिवल की तरह रहता है। होली हो चाहे जो भी हो, एवरी डे इज़ लाइक अ फेस्टिवल। उसके बाद आप देख सकते हो ये पहाड़ों की खूबसूरती, कितने अच्छा बर्फ़ यहाँ पे गिरी हुई है। और गांव में रहने का ना मज़ा ही कुछ हो रहा है। जब मैं गांव में रहती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि सिटीज़ में रहना अच्छा लगता है, अब मैं सिटी में रहती हूँ तो मुझे लगता है कि नथिंग इज़ बेटर देन लिविंग इन अ विलेज। हाँ आपको रिसोर्सेज थोड़े कम मिल सकते हैं, रिसोर्सेज के लिए आपको थोड़ा बाहर जाना पड़ सकता है, बट जो विलेज की लाइफ है ना गाइस, इट्स अमेजिंग। आप हेल्दी रहते हो, हेल्दी खाते हो, चलते फिरते रहते हो। सिटीज में तो ऑलरेडी बंद रहते हो कमरों में, मतलब विलेज लाइफ इज बेस्ट। कैमरा में पास लग रही हो बट ये पास नहीं है। फर्स्ट पहुंच गए रिवर पे, हम लोग आए हैं नीचे घर में अच्छे वाले बाथरूम छोड़ के, हम लोग यहाँ नहाने के लिए आए हैं जस्ट फॉर थ्रिल। तो मज़ा आता है यार ऐसे बाथरूम में तो नहाते ही है, यहाँ पे आके बहुत मज़ा आता।
हमारा मिशन है वहाँ पे जाने का उस जगह पे, तो वो हमें समझ नहीं आ रहा हम किस साइड से जाएं। यहाँ से थोड़ा ज़्यादा पानी है तो हमने सोचा हम वहाँ से जाते हैं। अगर आपको ये देख के रिवर को देख के लग रहा है कि पानी बहुत कम है तो गाइस पानी बहुत ज़्यादा था, हमें भी ऐसे लग रहा था बहुत कम है, बट जब हम बीच में गए पानी के तो हमें पता चला कि ये बहुत ज़्यादा पानी है, और ऊपर से हम छोटे छोटे बच्चों को लेके आए थे साथ में। हम रिस्क वाला तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, अगर आप कहोगे कि बच्चों को लाना रिस्क था, इतना रिस्क वाला कोई नहीं था, उतना भी पानी नहीं था कि रिस्क है, बट इतना पानी था कि हम बहुत अच्छे से वहाँ इन्जॉय कर पाते। और पीछे जो मेरा लिटिल किड है ना, उसको भी वॉइस ओवर देना है मेरे साथ साथ, तो डोंट माइंड गाइस, वो भी वॉइस ओवर कर रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा वॉइस ओवर। बच्चों के साथ आए थे, क्या हालत खराब हो गई है। फिर हम गाइज निकल गए थे अपने घर की तरफ होली शोली मना के, क्योंकि हमें आज घर भी जाना था, और रास्ते में आप देखो कैसे अपना स्पीकर वगैरह लेकर घूम रहे हैं ये बाइक पर, कितना एंजॉय कर रहे हैं। ऐसे ही एंजॉय करना चाहिए यू नो, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, हर पल को एंजॉय करना चाहिए, मस्ती मज़ा करना चाहिए। और फिर आप ये सुनिए, फिर हमें ना एक जगह से इनवाइट आ गया कि हमें भी रुशांग के साथ होली मनानी है, तो आप हमारे घर आइए। तो आज हम एक नए रास्ते से वहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ पहुँच करके मैं आपको बताऊँगी कि वो इनवाइट किसका आया था और हम कहाँ गए थे। फिलहाल हम ये रास्ता एक्सप्लोर कर रहे थे फर्स्ट टाइम। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमें किसका इनवाइट आया था और हम कहाँ आए। हम आए थे मेरी मासी सास जो है ना उनके घर, उन्होंने बोला था कि हमें रुशांग के साथ होली सेलिब्रेट करनी है, और इसीलिए हम वहाँ आए। और साथ में मेरी सिस्टर इन लॉ हैं जो बड़े वाली दीदी हैं, वो भी आए हुए थे, उनके बच्चे भी, तो हमने सोचा कि हम चले जाते हैं वहाँ पे भी और रुशांग की होली हम वहाँ पे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो फिर सब ने यहाँ पे कलर लगाया, एक दूसरे को होली सेलिब्रेट की बहुत अच्छे से, सो यहाँ पे भी बहुत मज़ा आया हमें। आप बच्चे भी बैठे हुए थे रुशांग के साथ, प्ले कर रहे थे, होली खेल रहे थे। सो कुछ ऐसी थी मेरे रुशांग की फ़र्स्ट होली, सबकी ब्लेसिंग्स के साथ, हैप्पीनेस के साथ, तो बहुत अच्छी तरह से हमारी फ़र्स्ट होली जो रुशांग की थी वो गई, और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया सबके साथ। और उसके बाद हम होली मनाकर यहाँ पे और निकल आए थे अपने घर की तरफ। एक बात हो रहा है यार, कहीं भी चले जाओ, जितनी दिन के लिए मर्जी चले जाओ, बट जो एक सुकून और रिलैक्सेशन होती है ना, वो आपको अपने घर पे ही मिलती है जब आप अपने घर पहुंचते हो। तो एक छोटी सी क्लिप मैं अटैच करके बताऊंगी कि वो रिलैक्सेशन क्या होती है, आपको खुद पता चल जाएगा। जस्ट वेट। पहुंच गई है घर और मेरा नूना बहुत खुश है अपने घर आके वापस।
देख सकते हो आप एक्साइटमेंट रिशांग की, इतनी खुशी, इतनी खुशी, लत्ता जड़ गई है, इनके घोट घोट के कहीं बैग वाले लग गया, जंपर लग गया, तब नहीं लगती भी चलती इतना मजा। इन लत्ता माल मालिश करेंगे। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आपने देखा रुशांग किस तरह से खुश हुआ। तो इसे कहते हैं अपने घर आके जो सुकून मिलता है वो वाला सुकून। सो गाइस सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियोस। मेरी प्यारी प्यारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बी अ पार्ट ऑफ माय लवली फैमिली। ओके गाइस सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।